जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू सभी धर्म और सभी के भावनाओं का सम्मान करती है। हम ऐसे किसी भी बयान का विरोध करते हैं जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करे। ललन सिंह ने कहा कि इस मामले में आरजेडी नेतृत्व को ही फैसला करना है। इसके अलावा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से पार्टी को दिए गए बयानों को लेकर कहा कि हमारी पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, पार्टी का आधार काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी आइए सब लोग, आइए पहले। अब क्या है सर, नित्यानंद राय है वो बना रहे हैं के बारे में माइक से कंस और रावण से तुलना की। क्या कर रहे हैं नित्यानंद राय जी? स्वतंत्रता सेनानी है वो, फ्रीडम फाइटर है, और फ्रीडम फाइटर कुछ भी बोल सकता है, इस देश में उसको आजादी है। सर सामने देखिए ना, किसी के बारे में हम लोग न कभी किसी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये उनका संस्कार है, किसी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। पार्टी लगातार पार्टी का आधार जनाधार बढ़ रहा है और पार्टी प्रतिदिन मजबूत हो रही है, समर्पित कार्यकर्ताओं का फौज खड़ा हो रहा है। देखिए ये राष्ट्रीय कल बता चुके हैं, एक ही सवाल को रोज रोज पूछने का कोई मतलब नहीं होता है। ये कल हमने विस्तार से बता दिया कि जनता दल यूनाइटेड सभी धर्मों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है, जनता दल यूनाइटेड सभी धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है, और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने के लिए। अरे आरजेडी का हमको नहीं कहना है ना, आरजेडी को कहना, हम अपनी बात ना बताएंगे। पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर छोड़िए छोड़िए ना, उड़ उस वो भी है बहुत भारी भारी क्रांतिकारी, और जो काफी क्रांतिकारी का लोग हैं उनके बारे में हमको कुछ नहीं। सर ऐसा है उपेंद्र कुशवाहा निराश फील कर रहे हैं जेडीयू में, क्योंकि उन्होंने कहा पवेलियन की भूमिका में आ गए। पता नहीं आपसे वो बोले होंगे, हमसे तो बराबर बात होती है।